फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ डिज़ाइनर ब्लाउज की कटिंग। तो इसको किस तरह से कटिंग करना है वो हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कपड़ा जो हमने लिया है ये ब्लाउज पीस है और साथ में ये जो अस्तर है इसको मैंने 80 सेंटीमीटर ले लिया है। तो इसको हम सबसे पहले अस्तर को अच्छे से रख लेंगे डबल फोल्ड करके। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो आप डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर जो हम स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं इस कपड़े को हम बराबर पे रख लेंगे, इसलिए हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं। अब इसकी लंबाई का हम निशान लगाएंगे। तो लंबाई यहाँ पर 13 इंच है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच पर निशान इस तरह से लगा लेती हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो 7 इंच पर यहाँ पर मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हम बोट नेक बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाई हूँ। और उसके बाद आर्म होल जो है यहाँ से हम 6.5 इंच का ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम सीने का निशान लगाएंगे। तो इसको स्ट्रेट लाइन मैंने खींच लिया है, अब यहाँ पर हम सीने का निशान लगाएंगे। सीना 36 इंच का है तो उसका हम चौथा भाग लेंगे। तो यहाँ पर चौथे भाग का निशान लगाई हूँ और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन में। आप चाहो तो 2 इंच भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा ली हूँ। इसी तरह से हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है यहाँ पर 32 इंच का, तो 8 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच मार्जिन के लिए टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला लेंगे। इस तरह से हमने एक बॉक्स की तरह तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें आर्म होल्ड का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 1.25 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई शेप देंगे। तो आराम से हमको अच्छे से गोलाई शेप दे देना है। तो इस तरह से गोलाई शेप दे दिए हैं। अब हम यहाँ पर गले की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने 4 इंच लिया है, लंबाई हमने 3.5 इंच तक ले लिया है। और उसके बाद यहाँ से भी हम 4 इंच लेंगे नीचे की तरफ से और दोनों को इस तरह से हम मिला लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो है इस तरह से गोलाई शेप दे देंगे। तो इस तरह से पीछे का गला निशान लग गया है। अब यहाँ पे हमने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम गोलाई शेप देंगे, थोड़ा सा डिज़ाइनर में कटिंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी लंबाई है उतनी लंबाई आप ले लीजिए। और यहाँ से आप निशान इस तरह से लगा सकते हो या फिर आप यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हो। ऊपर से आपको 2 से 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है और नीचे से यहाँ से आपको 3 या 3.5 जितनी चौड़ाई रखना है निशान लगा लेना है। अब ये दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से भी आप निशान लगा सकते हो। यहाँ पर इस तरह से अच्छे से गोलाई शेप देना है। अगर आपका परफेक्ट गोलाई शेप नहीं बनता है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगी लास्ट में, तो आप वहां से देख सकते हो, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ ऊपर के गले कटिंग करेंगे और इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने ये बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर टक्स का निशान लगा लेते हैं। तो ये 4 इंच पर मैं यहाँ से इस तरह से नाप लूँगी और यहाँ पे कट का निशान लगा लूँगी। इस तरह से हमने ये बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको इस तरह से अच्छे से रख लेना है और यहाँ से आपको डबल फोल्ड करके रखने के बाद इसका हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं जिससे हमारा कपड़ा ऊपर नीचे ना हो, बराबर में आए। अब इसकी लंबाई का हम निशान लगाएंगे। तो लंबाई है यहाँ पर 13 इंच, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से हमने निशान लगा लिए हैं 14 इंच पर।
और इसका यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे तो 7 इंच पे इस तरह से शोल्डर का निशान लगा लिए हैं। और आर्म होल्ड का हम निशान लगाएंगे इसके बाद 6.5 इंच पर, इस तरह से दोनों पॉइंट को मिला लिए हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे निशान सीने का, 9 इंच पर निशान लगा, 1 इंच हम यहाँ पर जो इस तरह सिलाई करेंगे वहाँ पर हम टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम फिटिंग की सिलाई के लिए। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर 8 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे और टक्स के लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 2.5 से 3 इंच तक आप निशान लगा सकते हैं टक्स के लिए। तो यहाँ पे मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच यहाँ पे फिटिंग की सिलाई के लिए लेंगे हम। तो यहाँ से 1.5 इंच इस तरह से मार्जिन ले लिए हैं। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे और ये पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से हमने एक बॉक्स की तरह तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं टक्स पॉइंट का निशान लगा रही हूँ, तो 3.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाए हैं और इसका जो टक्स पॉइंट है वो 1.5 इंच तक हम यहाँ पे ले लेंगे। और इसकी लंबाई जो ब्रेस्ट पॉइंट है यहाँ पे 10 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से लंबाई में देखिए 4 इंच का निशान लग गया है। और उसके बाद ये दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो इसको अच्छे से हमें यहाँ पे मिला लेना है और उसके बाद ये दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे। उसके पहले मैं ये आर्म होल का निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पर आपको 1.25 इंच तक इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसके बाद एक अच्छे से गोलाई शेप दे देंगे यहाँ पर। अब ये दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे तो आप देखोगे ये प्रिंसेस कट ब्लाउज का जो है निशान लग गया है अच्छे से। अब हम इसका गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई जो हमने लिया है 4 इंच का लेंगे और लंबाई आपको अपने हिसाब से ले लेना है जितना आप यहाँ पे पहनना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा आगे का गला नहीं रहता है तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से 6, 6.5 और 7 तक आप निशान लगा सकते हो। और उसके बाद यहाँ से दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाने के बाद आपको गले की डिज़ाइन का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से निशान लगा लेती हूँ। तो इस तरह से ये मैंने निशान लगा ली हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिए हैं और ये जो टक्स पॉइंट है उसको भी हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की कटिंग के लिए हम यहाँ पर देखेंगे 4 फोल्ड करके रख लिए हैं। इसी तरह से आपको भी 4 फोल्ड करके रख लेना है। अब हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आपको इसको ऐसे नाप लेना है। तो आप देखोगे 7.5 इंच आ रहा है। 1/2 इंच हम थोड़ा सा लूजिंग के लिए रख लेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच फिटिंग की सिलाई के लिए लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे 8 इंच ही हो रहा है। तो इस पर हम थोड़ा सा जॉइन इस तरह से कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने जॉइन करके इस पर मैं थोड़ा सा पिनअप कर देती हूँ जिससे कपड़ा इधर से उधर नहीं होगा। और इसको मैंने इस तरह से रख लिया है। अब इसका हम देखेंगे मार्जिन। ये 8 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। उसके बाद लंबाई जो है यहाँ पर 3.5 इंच है। तो इस तरह से आप 3.5 इंच पे निशान लगाइए और 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ से 4.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हो और इस साइड से भी हमको 4.5 पर निशान लगाना है। जो ऊपर से थोड़ा सा कम है तो वो कटिंग में चला जाएगा। और यहाँ से मैंने 2 इंच का निशान इस तरह से लगा ली हूँ। उसके बाद नीचे से मैं 2 से 2.5 तक आप निशान लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं 2.5 इंच पे ले लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 2.5 इंच का है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। इसको अच्छे से आपको निशान लगाने के बाद फिटिंग का सिलाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 6.5 इंच की फिटिंग है और यहाँ से आपको 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। अब ये दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे। ये जो पॉइंट हमारे यहाँ तक है तो इसको हम ऐसे मिला लेते हैं और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब मैं इसको फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसको इस तरह से ओपन कर लेना है और यहाँ से हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और इसको मैं इसी तरह से वापस जॉइंट करके रख दूंगी। तो इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब मैं कपड़े पे कटिंग कर लूँगी, तो इसको अच्छे से आपको रख लेना है। आपको ध्यान देना है इसके जो डिज़ाइंस होते हैं वो हमको सीधा चाहिए रहता है, इसलिए कपड़े को आपको सीधा रखना है। अगर आप उसको टेढ़ा रखते हो तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो कपड़े को आप स्ट्रेट में रखिए। आप देख सकते हो जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो इस तरह से आएगा इसका शेप और दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर मैं इसको दूसरे साइड से टर्न कर लेती हूँ तो ये अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हमको इसी तरह से रख के कटिंग कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आस्तीन की कटिंग करूँगी, तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए इसको हम फोर फोल्ड में करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे आस्तीन का जो अस्तर का कपड़ा है वो रखेंगे। अब यहाँ पर जो छोटा है उसको हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे दूसरा, और इस तरह से हमको रखना है। ये देखिए सीधा इसी तरह से रखना है ताकि आस्तीन पे इसी शेप में आए। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को इस तरह से अच्छे से रख लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये देखेंगे आप फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करेंगे, तो बेल्ट जो हम कटिंग करेंगे वो कमर हमारा यहाँ पे 32 इंच का है, तो उसका हम हाफ करेंगे तो 16 इंच और 2 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। तो ये जो कमर का हम निशान लगाएंगे, हम दोनों साइड से एक साइड हम बड़ा रखेंगे और एक साइड हम छोटा रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 16 इंच का पूरा निशान लगाते हैं और इसमें से 5 इंच का हम माइनस कर देंगे, यानी यहाँ से हम निशान लगाएंगे इस तरह से, और जितनी भी यहाँ पे लंबाई है उतना हम पूरा ले लेते हैं। अब यहाँ से जितना भी आपको चौड़ाई चाहिए उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ से मैं 4 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ और आपको यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा यानी 5 इंच का रखना है। आप यहाँ पे 3 इंच की भी लंबाई ले सकते हो और 1 इंच मार्जिन यानी 4 इंच का हम रख सकते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे चौड़ाई चाहिए वैसा आपको निशान लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से हमने मिला लिया है सीधा। अब यहाँ से ये दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे इस तरह से, और इस तरह का हमारा बेल्ट रहेगा। तो ऐसे हमको ये दोनों पॉइंट को मिला लेना है। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा ली हूँ। अब ये पॉइंट को हम जो निशान लगाए हैं उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से एक बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब दूसरा बेल्ट जो हमने 5 इंच का निकाल लिया था वो 5 इंच की हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो देखिए पूरा लंबाई यहाँ तक है, तो ये 5 इंच का हम यहाँ तक पूरा जो है निशान लगाएंगे, और 1 इंच मैं सिलाई के लिए रख लेती हूँ इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से निशान लगा लिया। अब ये दोनों पॉइंट को हम ऐसे मिला लेंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। और ये इसकी चौड़ाई का निशान है, ये यहाँ पर जितना चौड़ाई लिया था इसको, तो इसको हम इस तरह से कुछ रख लेंगे। अब इनको मैं दिखा देती हूँ एक बार, ऐसे हमें रख लेना है। इस तरह से हमारा बेल्ट रहेगा।
इसके बाद हम ये ब्लाउज पीस है उस पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, अच्छे से रख लेना है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे ऐसे रख करके। तो इस तरह से ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ पर देखिए बैक पार्ट का जो ये राउंड शेप है उसको हम कटिंग करेंगे। अगर राउंड शेप नहीं बनता है तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। ये देखिए मेरे पास इस तरह से ढक्कन है, उसको मैं इस पे इस तरह से रख लूँगी और जितनी चौड़ाई आपको चाहिए उतनी चौड़ाई में आपको इस तरह से गोलाई शेप दे देना है। ये देखिए मैंने यहाँ तक इस तरह से बराबर पर रख लिया है और यहाँ से इस तरह से एक शेप दे दूँगी। तो देख सकते हो एकदम परफेक्ट शेप बन गया है और इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। इस तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।